हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, उसका रीज़न मैं बताऊँगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है वेडनेसडे और आज का व्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। अभी बज रहा है सुबह का 10:30। हम लोग नींद से उठ के चाय वाय कुछ भी आज नहीं पिए, सुबह से हम लोग आज भूखा ही है, खाली पेट ही है, क्योंकि सौरभ अभी तक नींद से उठा नहीं है। तो सौरभ नींद से उठेगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो सुबह से आज चाय ना पीने का यही रीज़न है। जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो लोग जानते हैं कि कल था सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा के नेक्स्ट दिन हमारे बंगालीज़ में होते हैं शीतला षष्ठी। सो आज है शीतला षष्ठी और शीतला षष्ठी के दिन हम लोग घर पे कुछ भी गर्म खाना नहीं बनाते हैं, चूल्हा नहीं जलाते हैं, तो इसीलिए आज चाय नहीं बनेगा। वैसे तो अगर लड़के लोग को अगर पीना होता है तो वो लोग पी सकते हैं, लेकिन बनाना मुझे ही पड़ेगा और आज मेरा किचन से छुट्टी है तो मैं आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए सौरभ को मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर तुमको चाय पीना है तो तुम खुद बना लोगे, मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ है तो टावलटा एक पड़े दीची। सौरभ उठ गया है, अभी जा रहा है वॉशरूम, तो इसीलिए उसने बोला कि नहीं अगर तुम नहीं बनाओगे चाय तो मुझे भी चाय नहीं पीना, क्योंकि सुबह सुबह उठ के उसे मेरे हाथ का चाय ज़रूरत पड़ता है। तो अगर मैं चाय नहीं बनाऊंगी तो उसको चाय भी पीना नहीं है, ऐसे उसने बताया। तो मैंने बोला कि चलो मेरा ही अच्छा है, मेरा छुट्टी है, मैं तो आज नहीं बनाऊंगी चाय, तुम ऑफिस में जाके पी लेना। और अगर नो कुकिंग डे होता है तो इससे अच्छा खुशखबरी, इससे अच्छा अच्छा दिन और तो लेडीज़ के लिए हो ही नहीं सकता है ना। किचन बिल्कुल चकाचक, दीदी अभी काम करके गई है, मैं आपको दिखाती हूँ किचन का हालत, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ। मैं कल रात को खाना वाना बना के रख दी थी ना, चूल्हा बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पे सिर्फ सौरभ का ऑफिस का टिफिन बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे सिंक वगैरह सब कुछ एकदम चकाचक, और सारे खाना जो कुछ भी है जो मैंने रात को बनाया था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। तो ब्रेकफास्ट से लेके एकदम डिनर तक सब कुछ यहीं पे बना के पड़ा हुआ है। चाय तो ऑब्वियसली बना नहीं सकते ना, ये चाय ठंडा पी नहीं पाएंगे, तो इसलिए चाय सिर्फ नहीं है और बाकी का यहाँ पे सब कुछ है। तो क्या क्या है वो सब कुछ तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को शेयर किया था ऑलरेडी कि मैंने क्या क्या बनाया है शीतला षष्ठी के लिए। तो जो लोग आज मेरे वीडियोस फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो उन लोगों के लिए भी मैं शेयर कर दूंगी लंच टाइम पे कि मैंने क्या क्या बनाया है शीतला षष्ठी स्पेशल। वैसे तो कुछ स्पेशल होता नहीं है क्योंकि ये सारे तो वेज ही है, वेज में ही होते हैं, तो स्पेशल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर कर दूंगी। फिलहाल अभी सौरभ को टावल दे के आती हूँ, सौरभ वॉशरूम गया है और टावल लेके जाना भूल गया है, जो कि हमेशा भूल जाता है ये वॉशरूम में जाने के बाद। एक रखी वॉशरूम में जाने के बाद फिर से याद आता है कि टॉवल लेके नहीं गया, फिर मुझे बुलाती है टॉवल दे दो टॉवल दे दो। आज ब्रेकफास्ट में हम लोग खाने वाले हैं कलाई सिद्धो। जो लोग बंगाली हैं उन लोगों को तो बहुत ही अच्छे से पता होता है कि कलाई सिद्धो कितना टेस्टी होती है, कितना अच्छा लगता है खाने में और कितना सिंपल है इसको बनाना। कुछ भी नहीं डलता है इसमें, बहुत ही मतलब कोई भी मसाला वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नमक डलती है इसमें और कुछ भी नहीं। इसके बावजूद भी ये कितना टेस्टी होता है वो तो जो लोग खाए हैं उन लोगों को अच्छे से पता होता है। ना कोई इसमें छौक लगता है, ना कुछ मसाला डलते हैं, ना अदरक लहसुन पेस्ट डालते हैं, कुछ भी नहीं, इवन धनिया पत्ता भी नहीं। इसके बावजूद भी ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना। तो आज हम लोग वही खाने वाले हैं मुरमुरा के साथ, ये देखिए। और ये ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म गर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसमें ना एक्चुअली वो होल बैंगन जो होता है छोटे छोटे साइज़ के बैंगन, वो बैंगन डलता है, बेबी पोटैटोज डलता है और छिलके वाला मटर डलता है और कूल बोलते हैं बंगाली में, हाँ बेयर जिसे बोलते हैं वो भी डलता है। लेकिन मेरे पास इतने कुछ नहीं था, मेरे पास बड़ा वाला बैंगन था उसको मैंने काट के डाल दिया, बड़ा वाला आलू था उसको ही मैंने काट के डाल दिया, मटर वटर ये सब डाल के, कूल मुझे नहीं मिला तो कूल में डाल नहीं पाई, तो ये सब डाल के मैंने बना लिया है। सौरभ वॉशरूम से आ जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि जो लोग नॉन बंगाली है जिनको कलाई सिद्धो के बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है, वैसे तो आप लोगों ने तो इसमें देखा कि कलाई है नहीं, कालो कलाई जिसे बोलते हैं, वो मुझे मिला नहीं था। तो मेरे सासू माँ ने बोला कि कोई भी छोले मटर ऐसे टाइप के दो चार टाइप के चीज़ें एक साथ मिला के तुम बॉयल कर लो। तो मेरे पास काबुली चना था और उसके साथ ड्राइड पीस जो होता है मटर वो था, और उसके साथ मैंने और एक क्या डाला है लोबिया जिसको बोलते हैं बंगाली में, बड़बुटी या बोड़ा कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तीन टाइप का मैंने बॉयल किया है एक साथ। तो अगर आपके पास वो ग्रीन छिलका वाला मूंग का दाल होगा तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब वही एक्चुअल में डलता है, लेकिन वो मेरे पास था नहीं।
तो वो मैंने बोला था लास्ट ब्लॉग में कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे, जो लोग कभी भी टेस्ट नहीं किए हैं ये वाला डिश, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे बिल्कुल बॉयल बिना मसाले के खाते कैसे है। तो मैं आपको जब हम लोग खाना सर्व करेंगे ना उस टाइम पे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खाते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पे दो कटोरी में मुरमुरा ले लिया है, और ये जो कॉलर सिद्धो है इसको मुरमुरा के ऊपर ऐसे रखना पड़ता है। आलू, बैंगन, जो कुछ भी मैंने डाला था, हरी मिर्ची, सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालना पड़ता है। और इसमें नमक वगैरह और कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि बॉईल करने के टाइम पे ही मैंने मिर्ची, नमक सब कुछ डाला था। तो इस टाइम पे सिर्फ हमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना पड़ता है। इससे ना बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। अब इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करके खाना पड़ता है। अभी अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, और अभी अभी मुझे सौरभ को, दोनों को भूख लग गया, क्योंकि काफ़ी दिन से एक रस्सी खरीद के पड़ा हुआ था। पहले ना यहाँ से एक रस्सी हमारा होता था, यहाँ से बिल्कुल बैल्कनी के एंड तक, लेकिन वो वाला रस्सी ना उस दिन वो हो गया, टूट गया, तो मतलब बहुत पुराना हो गया था। तो मैंने एक रस्सी खरीद के लाई थी मार्केट से, जो कि एक महीने पहले का था, लेकिन लगाना ही नहीं हो रहा था। कब से सोच रही हूँ कि रस्सी टांगना है टांगना है, हो ही नहीं रहा था। फिर फाइनली आज वो रस्सी आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने और सौरभ ने लगाने की कोशिश की। ये देखिए, येलो वाला एक दिख रहा है ना, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा है, पता नहीं मैं कैसे, ये देखिए ये वाला हाथ नहीं पहुँच रहा है मेरा, पता नहीं मैं कैसे कपड़ा सुखाऊंगी। तो ये वाला रस्सी मैंने टांग दिया है यहाँ से लेके वहाँ तक, बिल्कुल कॉर्नर तक, मैं और सौरभ दोनों मिलके। और ये टांगते टाइम जो मेहनत हमारी खर्चा हो गई ना, उसके बाद फिर से मुझे भूख लग गया, सौरभ को भी भूख लग गया है। अभी टाइम हो रहा है 1:15, ये घड़ी 5 मिनट फास्ट हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 1:15। और कल से एक्चुअली ना कपड़ा बहुत सारे धोए थे हम लोग, और इतने सारे कपड़ा सुखाने के लिए जगह नहीं था, क्योंकि ये मेन वाला रस्सी जो था ना इसमें काफ़ी कपड़ा आता था, लेकिन ये वाला रस्सी टूटने के बाद फिर स्पेस कम हो गया और कपड़ा सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो ये वाला टांगना ही है। देखिए, बेडशीट सुखाने के लिए मेरे पास जगह नहीं था, तो बेडशीट को, डबल बेडशीट है ये 6x7 का, इसको मैंने फोल्ड करते करते इतना छोटा सा मैंने इसको बना के, उसके बाद ना फिर मैंने इसको सूखने के लिए दिया। क्या करूँ, जगह ही नहीं हो रहा था। अगर ये पूरा बेडशीट अगर मैं लगाती ना सूखने के लिए अच्छे से, तो वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा कवर हो जाता, और फिर बाकी के कपड़े के लिए जगह ही नहीं होता। इसलिए मैंने इसको छोटा सा फोल्ड करके रख दिया। फिर भी देखिए, बाकी का कपड़ा आया नहीं, तो मेरे टॉवल और पिलो कवर्स वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे रेलिंग में लगा दिया है। क्या करूँ, उस वाले बैल्कनी में तो पूरा पैक है, उस वाले बैल्कनी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी तो ऑलमोस्ट सूख गया है, थोड़ा थोड़ा अभी उठा लूँगी जो जो सूख गया है वो सब। देखिए, ये वाला बैल्कनी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा पैक्ड है ये वाला बैल्कनी। तो क्या करूँ, इसीलिए रस्सी टांगना पड़ा, और एक नहीं दो दो रस्सी मैंने लगाया है। सौरभ ने भी हेल्प किया है, चेयर पे उठ के ऊपर काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि हमारे बैल्कनी पूरा ओपन है ना यहाँ तक, तो यहाँ पे चेयर लगा के यहाँ पे जब बांध रही थी, और उस साइड में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सौरभ बांध रहा था, मैं चेयर पकड़ के खड़ी थी, और एक बार फिर मैं बांध रही थी और सौरभ चेयर पकड़ के खड़ा था, बहुत डेंजरस है सच में। तो अभी सौरभ गया है नहाने, नहा के आएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। तो मैं आपको फटाफट एक बार दिखा देती हूँ दोबारा कि आज लंच पे हमारे घर पे क्या क्या बनाई दोबारा। इन द सेंस, कल तो मैंने ऑलरेडी बताया था, दिखाया था सब कुछ कल के व्लॉग में कि क्या क्या बनाया है, लेकिन फिर भी जो लोग आज मेरे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उन लोगों के लिए मैं एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। ये तो कॉलर सिद्धो है, जो कि सुबह हम लोग मुरमुरा के साथ खाए थे ना, वो खाने के बाद इतना सा बच गया था, तो ये मैं रख दूंगी, बाद में हम लोग खा लेंगे। और इसमें है अरबी फ्राई, एक्चुअली फ्राई मतलब फ्राई तो है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, अक्खा जीरा और जीरा पाउडर भी डाला है, तो ये है अरबी जीरा एक्चुअली बोल सकते हैं आप। और इसके नीचे है टमाटर की चटनी, और इसमें क्या है, इसमें है पोहा। ये एक्चुअली ना मैं आज ब्रेकफास्ट के लिए बनाई थी, लेकिन सौरभ को कॉलेज से तो खाना था, तो ये मैं रख दूंगी, ये हम लोग खा लेंगे इवनिंग स्नैक्स पे। और यहाँ पे है दाल, अरहर का दाल मैंने बनाया है, और इसमें क्या था, इसमें है आलू गोभी मटर की सब्जी फूल गोभी, और इसमें चावल, और है इसमें है पराठा रात के लिए, मेरे और सौरभ के दोनों के लिए पराठा, जो कि गोभी के सब्जी के साथ हम लोग खाने वाले हैं रात को।
ये तो दिखाया, और इसमें है खीर, कल खीर बनाया था ना तो थोड़ा सा खीर बच गया है, तो ये है खीर। ये देखिए ऑडियंस की तरफ से मेरा सेकंड पीयर पैकेज भी आ गया है। मैंने एक ब्लॉग में बताया था ना कि वो लोग और एक कुछ मेरे लिए भेज रहे हैं, तो ये मेरा दूसरा पीयर पैकेज है जिसको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स करूंगी। बहुत अच्छा लगता है ना जब कुछ आते हैं गिफ्ट्स वगैरह यूट्यूब की तरफ से, फिर उसमें मेरा नाम लिखा हुआ होता है, मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है कोई गिफ्ट जब प्रीपेड लिखा हुआ होता है, उस टाइम पे बहुत मज़ा आता है। तो ये मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। सो ये तो है मेरा पीआर पैकेज, और इस बार पीआर पैकेज में मेरा आया है कैस्टर ऑयल और उसके साथ आया है कोकोनट ऑयल, जो कि दोनों ही हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैस्टर ऑयल का मैं पहले बता देती हूँ, कैस्टर ऑयल का तो बाल और स्किन के लिए तो ये अच्छा है ही, और इसके साथ साथ नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। तो कैस्टर ऑयल का बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी सुना था, लेकिन कभी मैंने यूज़ नहीं किया है कैस्टर ऑयल। और कोकोनट ऑयल तो मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल का तो आप लोग सब लोग ही यूज़ करते हो, तो इसका तो और अलग से कुछ बताने का है ही नहीं। ऑरिगेंस कंपनी का ये है दोनों प्रोडक्ट, तो ऑरिगेंस कंपनी जैसे आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल इंडियन कंपनी है, और इन लोगों का जो कुछ भी प्रोडक्ट होता है ना वो सारे केमिकल फ्री होता है। तो इस कंपनी का ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक तो है इंडियन कंपनी और है मतलब सारे चीज़ें केमिकली फ्री होता है इनका, बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल होता है। तो कोकोनट ऑयल तो मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, ऑरिगेंस का नहीं यूज़ किया था, बाकी दूसरे कंपनीज के मैंने यूज़ किया था। बहुत अच्छे बेनिफिट्स होता है, जैसे कि कोकोनट ऑयल से आपका जो हेयर बीच में से टूट जाता है कभी कभी, मतलब पूरा उखड़ के आना नहीं, बीच में से जब कभी कभी ब्रेक हो जाता है तो वो प्रिवेंट करता है। और स्प्लिट एंड्स जो होता है, जैसे बालों के आगे ना बाल ऐसे जाके दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, एक बाल स्प्लिट एंड्स जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके हेयर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी होती है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चर करके रखता है हमेशा, और जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स जो होते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। काफ़ी टाइम हमारा एज इतना नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ग्रे बाल आ जाता है ना स्टमक के प्रॉब्लम से या फिर कुछ भी, तो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। स्कैल्प हमेशा मॉइस्चर करके रखते हैं जैसे मैंने बताया, और डैंड्रफ भी रिड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ जो स्कैल्प इरिटेशन होती है ना डैंड्रफ की वजह से या फिर जुए की वजह से, कुछ भी हो स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाते हैं तो हम लोग ना ऐसे खुजलाते हैं, जुए नहीं भी हो फिर भी हम लोग कभी कभी सर खुजलाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन घटाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये मुझे यूज़ करने का बहुत मन था, ये 100 ml के है, एक कंटेनर 100 ml के है, तो इसको ना यूज़ करने का मुझे काफ़ी मन था लेकिन ठंड के टाइम पे जम गया है, तो ये तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, ये 100 ml का कंटेनर आया है, 297 rupees है इसका प्राइस, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको बहुत 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 अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये तो है कोकोनट ऑयल का, और ये जो है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का भी काफ़ी सारे गुण होते हैं, जैसे कि ये भी आपके डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और उसके साथ साथ हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है, आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और ग्रे हेयर से भी ये बहुत अच्छा काम करता है ग्रे हेयर के लिए। ये एक नेचुरल कंडीशनर के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डैमेज वालों को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया हेयर के लिए जो हम लोग सब लोग जानते हैं, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि रिंकल्स जब आ जाता है ना, एक एज के बाद हमारे स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्ने क्लियर करते हैं, और आपके इनर ग्लो को भी बूस्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है, और सनबर्न स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे हम लोग बाहर चले जाते हैं ऑफिस वगैरह काम के लिए तो हमारे स्किन पे ना टैन हो जाता है, और अभी जैसे गर्मी की टाइम आ रही है टैन तो पक्का पड़ने वाला है, तो इसलिए टैन जो स्किन होता है सनबर्न स्किन उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ओवरऑल स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, और नेल्स के लिए भी, क्योंकि कैस्टर ऑयल अगर आप नेल्स में लगाओगे यूज़ करोगे तो ना नेल्स भी आपके स्ट्रांग होते हैं, और सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, इवन आपका आईब्रोज और आईलैश होता है ना ये सब के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे काफ़ी लोगों का आईब्रोज बहुत कम आता है तो उन लोगों के लिए आईब्रोज में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डेली एक बार दिन में एक बार अगर आप कैस्टर ऑयल लगा लोगे ना तो देखना कि आपके आईब्रोज के ग्रोथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कैस्टर ऑयल थोड़ा सा ट्राई करूँ, कोकोनट ऑयल तो हुआ नहीं, कैस्टर ऑयल थोड़ा सा लगा लेती हूँ।
स्मेल भी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बताऊंगी लेकिन ठीक ठाक है। इसका स्मेल इतना ज्यादा अच्छा आप लोगों को मिलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है ना, इसमें कुछ केमिकल्स और फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं रहता है, तो इसलिए इसका स्मेल इतना पता नहीं चलेगा। मतलब बहुत ज्यादा मीठी स्मेल तो मैं बोलूंगी नहीं, बहुत अच्छा एरोमा फ्रेग्रेंस वैसा वाला नहीं होता है, लेकिन ठीक ही है, मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा। और अगर स्मेल बुरा भी होता है तो उसमें क्या है, मुझे तो बस इसका मतलब काम होने से काम है, इसका काम अच्छे से हो जाए तो काफी है। तो इसका लगाने का तरीका तो आप लोग जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ कि इसको ना लगाने के बाद कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल दोनों ही इसको लगाने के बाद मिनिमम 3 घंटे के लिए बाल को छोड़ देना है, ठीक है। तो 3 घंटे बाद आप जाके शैम्पू कर सकते हो, हेयर वॉश कर सकते हो। और ज्यादा अगर आपको इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप इसको रात को लगाओ, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, रात को इसे लगाओ और ओवरनाइट के लिए छोड़ दो, और फिर सुबह के टाइम पे शैम्पू कर लो या फिर नॉर्मल हेयर वॉश कर लो तो चलेगा। शैम्पू करने से ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो फिर ये मतलब चिपचिपा सा लगता है ना, आपको कहीं बाहर जाना होगा या फिर कुछ भी। तो इसका मैंने लगाया, बहुत ज्यादा चिपचिपा तो है नहीं, वैसे कैस्टर ऑयल थोड़ा सा चिपचिपा होता है लेकिन ये वाला मुझे इतना भी चिपचिपा नहीं लगा, ठीक ठाक ही लगा है। और इसका प्राइस है 447, और अगर आप नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके अगर आप ये परचेस करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो इसको ये आपको बहुत 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 अच्छी खासी डिस्काउंट में मिल जाएगी। तो आई होप कि ये दोनों प्रोडक्ट आप लोग परचेस करें, खुद यूज करके देखें, क्योंकि ये सारे केमिकल फ्री और प्योर प्रोडक्ट है और दोनों ही बहुत काम के। कैस्टर ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कोकोनट ऑयल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज गो फॉर इट, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और बस मेरा इस बहाने थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग भी हो गया, जो कि मेरा होता नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून में कभी कभी ऑयलिंग करती हूँ बाल पे, तो इस बहाने आज मैंने भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तेल लगा के ना ऑफ कैमरा मैंने 10 से 15 मिनट तक खुद अपने बालों को इतने अच्छे से मसाज किया कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रही है। तो एनीवेज चलिए अभी डिनर करूँगी, डिनर करके मैं सो जाऊँगी, अभी टाइम हो रहा है रात के 9, तो अभी मैं सो जाऊंगी और उसके साथ ऑब्वियसली बाल भी बांधना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए बिग स्माइल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके बताना, कमेंट करके भी बताना और फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर भी कर देना। और सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उसको डेफिनेटली क्लिक करना, नहीं तो फिर मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएंगे। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।